बेमित्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव का प्रथम आगमन पर बिरला चौक से गांधी भवन तक जगह जगह चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं गाजे बाजे और जमकर आतिशबाजी की, उत्साह से उनका स्वागत किया। इस दौरान बेमित्रा भाजपा में हो गया। आज जिस गर्मजोशी और उत्साह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उससे राजनीति भी गर्म हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इन 4 साल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अन्याय का गढ़ बनाकर रख दिया है। यहां कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इन 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भू माफिया, चावल, कोयला, रेत, मुरम, शराब माफिया का गढ़ बनाकर रख दिया है। बेमित्रा जिला के 3 विधायक अन्याय कर रहे हैं, उसे उखाड़ फेंकना है। भाजपा ने 15 सालों में हर गाँव हर शहर को सुव्यवस्थित किया है। निश्चित ही आने वाले 2023 के चुनाव में बेमित्रा के 3 विधानसभा सीट भाजपा के झोली में आएगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। जो जोश और उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, निश्चित रूप से आने वाले 2023 के चुनाव में बेमित्रा की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राज्य में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, शांति और सद्भावना का गढ़ बनेगा।